तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 अध्याय 12 का क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सही विकल्प चुने। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुने। इसका क्वेश्चन 1 है, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है। तो इसमें से चार ऑप्शन दिए, इसमें से कौन होगा सही वो आपको बताना है। तो इसमें सही हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ख, अस्थाई पवन। अगला है मेरा जलवाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है। तो हमारा हो जाएगा संघनन। अगला है कैटरीना क्या है, एक चक्रवात। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने किताब में भर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, रिक्त स्थान को भरे। तो यह है चक्रवात के केंद्र में डैश दाव पड़ता है, तो अधिक यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अधिक। ठीक है, अगला है लू एक डैश हवा है, लू एक गर्म हवा है। ठीक है, अगला है ऊंचाई के कारण डैश होकर संघनित होती है, हवाएं डैश होकर संघनित होती है तो ठंडी होकर। ठीक है, अगला है विषुवत रेखा क्षेत्र में डैश वर्षा होती है, संवाहनीय वर्षा। ठीक है, यहाँ पर आपको भर देना है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, मौसम के अंतर्गत किन किन तत्व का अवलोकन किया जाता है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर, मौसम के अंतर्गत किन किन तत्व का अवलोकन किया जाता है, ये था क्वेश्चन। इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग, मौसम के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व का अवलोकन किया जाता है। उसके बाद आपको लिखना होगा तापमान, वर्षा, आर्द्र, वायु का वेग। उसके बाद लिखिएगा, यदि एक वाक्य में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा को मौसम कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, जलवायु को परिभाषित करें। तो मतलब जलवायु किसे कहते हैं या जलवायु को परिभाषित करें, एक ही बात हुआ, इसे निर्धारित कैसे करते हैं। तो देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में लंबे समय तक मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। मौसम का निर्धारण करने के लिए लंबे समय समानांतर 33 वर्ष तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन दिशा आदि आंकड़े एकत्र कर समय से भाग देकर उसका औसत निकाला जाता है। ऐसे आपको लिख देना है। और इस क्वेश्चन में आपको जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे जा रहे थे, तो इसमें लिख दीजिएगा अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, पर्वतों के दिशा का अवरोध, समुद्र धाराओं की दिशा, तापमान, समुद्र की ऊंचाई, पवन की दिशा, इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थान का तापमान अलग अलग क्यों होता है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, किसी भी स्थान का तापमान का आधार वहाँ प्राप्त होने वाली सूर्य की किरणें हैं। जहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ तापमान अधिक होता है, जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ वहाँ तापमान कम होता है। अतः स्पष्ट है कि सूर्य के किरण की कमी बेसी तथा सीधे तिरछे पड़ने के कारण विभिन्न स्थान का तापमान अलग अलग होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित पुष्टि करें। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए आपको उत्तर में लिखना होगा, ऐसे तो मौसम को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, लेकिन उन सभी कारकों में प्रमुख कारक तापमान है। तापमान को बढ़ाने या घटाने में प्रमुख भूमिका सौर ऊर्जा की होती है। कारक की मुख्य रूप से सौर ऊर्जा जिन स्थान पर अधिक मिलती है वहाँ का वातावरण गर्म होता है, जहाँ पर सौर ऊर्जा कम मिलती है वहाँ का वातावरण ठंडा होता है। गर्म और ठंडा वातावरण से वहाँ का मौसम प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कितना नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन है मेरा, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, पृथ्वी पर कितनी ताप प्रतिबंध हैं, इसका क्या महत्व है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। पृथ्वी पर कुल 5 ताप प्रतिबंध हैं,
विषुवत रेखा की दोनों तरफ उष्णकटिबंध है। यहाँ पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, इससे उस रेखा के दोनों ओर का क्षेत्र उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है। इसके उत्तर में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, इसे 239 डिग्री कर्क रेखा कर्क वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्तर में उत्तर शीत कटिबंध है, इसे 62/2 डिग्री मतलब कह सकते हैं आप लोग 62/2 डिग्री उत्तर ध्रुव वृत्त होता है वृत्त के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध हैं, इसे इसे 314 डिग्री मकर वृत्त कहते हैं। इसके दक्षिण में दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है, इसे 66 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं। इन कटिबंध का महत्व है कि विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण उष्ण कटिबंध के पास तापमान अधिक रहता है, शीतोष्ण कटिबंध के आसपास तापमान सामान्य रहता है। उत्तर दक्षिण शीत कटिबंध के पास बर्फ जमी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, वायु में गति के क्या कारण हैं? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। पृथ्वी पर जहाँ कहीं तापमान अधिक हो जाता है वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर चली जाती है, इससे वहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए उच्च दाब के क्षेत्र से हवा चल देती है। जिस चाल में हवा चलती है उसे वायु की गति कहते हैं। वायु की गति के ये ही कारण हैं। ठीक है, लिख दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन के कितने प्रकार हैं? प्रत्येक का नाम सहित वर्णन कीजिए। पवन के तीन प्रकार हैं, अस्थाई पवन, मौसमी पवन तथा स्थानीय पवन। यहाँ पर देखिए आप लोग, अस्थाई पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलता है या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। अस्थाई पवन अधिक दाव पेटी से कम दाव वाली पेटी की ओर चलता है। पछुआ पूर्वी तथा व्यापारिक पवन अस्थाई पवन के उदाहरण हैं। चलिए और देखते हैं हम लोग। अगला है मेरा, मौसमी पवन। जिस पवन की दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती है उसे मौसमी या पर मौसमी पवन कहते हैं। यह पवन ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदल लेती हैं। भारत में मौसमी पवन से ही वर्षा होती है। अगला है तीन नंबर मेरा, स्थानीय पवन। वर्षा के खास समय और खास भूखंड पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती हैं। उदाहरण है उत्तर भारत के मैदानी भाग में मई जून महीने में चलने वाली गर्म हवा पछुआ पवन। इस पवन के साथ कभी कभी लू भी चलता है। लू का मतलब दोनों अलग अलग है, विभिन्न स्थान पर विभिन्न विभिन्न नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, स्थानीय समीर समुद्री समीर में अंतर स्पष्ट करिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, जब हवा स्थल की ओर से समुद्र की ओर चलती है तब इसे हवा को स्थलीय समीर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत जब हवा समुद्र की ओर से स्थल की ओर चलती है तब इसे समुद्री समीर कहते हैं। स्थलीय समीर सदैव रात में चलता है, वही समुद्री समीर हमेशा दिन में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, चक्रवात क्या है? इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसका लिखना होगा आपको, तूफानी हवा की अति शक्तिशाली भंवर को चक्रवात कहते हैं। चक्रवात के प्रभाव से भारी आंधी आती है और जनजीवन की काफ़ी कुप्रभावित करती है। हवा नाचते काफ़ी ऊंचाई पर चली जाती है और भारी वर्षा कराती है। चक्रवात यदि ज़मीन पर आते हैं तो आंधी वर्षा लाते हैं, और यदि समुद्र में आते हैं तो उसकी लहरें काफ़ी ऊंची तक उठ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वर्षा कैसे होती है? वर्षा के प्रक्रिया का चित्र सहित समझाइए। यहाँ पर था क्वेश्चन आपका, वर्षा की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। तो आपको चित्र सहित समझा दे रहा है। यहाँ पर है, वर्षा कैसे होती है, इसके कितने प्रकार हैं।
तो इसको आपको लिख देना होगा, ऊंचाई पर जलवाष्प के संघनित होने से वर्षा होती है, यहाँ सदैव चलते रहने वाली प्रक्रिया है। वर्षा होती है, पृथ्वी पर पानी पहुँचता है, फिर ताप प्राप्त कर पानी वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है, संघनन होता और वर्षा होता है। सदैव चलते रहने वाली इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। वर्षा तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा, अत्यधिक वर्षा से क्या नुकसान हो सकता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा, अत्यधिक वर्षा से सबसे पहले तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में घर के घर ही क्या, गांव के गांव बह जाते हैं, आदमी के साथ जीव जंतु भी ऊंचे स्थान की ओर भागते हैं। लगी लगाई फसल, यहां तक कि कभी कभी तैयार फसल भी बह जाते हैं। सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं को आदमियों के रहने तथा खाने पीने की व्यवस्था की जुट जाना पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, हमें वर्षा जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर लिखिएगा, हमें वर्षा जल का संरक्षण इसलिए करना चाहिए ताकि हमें सालों भर पानी मिल सके। इस संरक्षित जल से सिंचाई तक के काम हो सके, ठीक है। आगे मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय के साथ। अगला है मेरा मौसम संबंधी उपकरण 13 में है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।